दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह के 5:15 हो रहा है और अभी आज मैं निकल चुका हूँ सरे की तरफ घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो दोस्तों आज जो है ना, बादल पूरी तरफ से लगा हुआ है चारों तरफ और जैसे मेघ ढनढना भी रहा है, बादल ढनढना भी रहा है। तो अभी चलते हैं, घूम के आते हैं और देखते हैं आज कैसा रहता है मौसम, बारिश आता है कि नहीं। फिलहाल दोस्तों अभी चलते हैं सरेह की तरफ से, आते हैं घूम करके। तो सरेह में दोस्तों आ गया, देख सकते हैं और देख सकते हैं चारों ओर बादल लगा हुआ है। तो चलते हैं, आते हैं घूम करके। तो फाइनली दोस्तों अभी आ गया घर और आज का मौसम देख सकते हैं, धूप थोड़ा भी नहीं है लेकिन बादल लगा हुआ है, बारिश के मौसम जैसा है। तो चलते हैं और सारे माल को सरिया लेते हैं, जो जो सरियाना है वो सबको, क्योंकि कल बिक्री हुआ था तो बहुत सारे आइटम उसमें का ख़त्म हो गया है तो ऐड कर लेते हैं। और ये भी छीटा आ गया हुआ है, इसमें कुर्ती वर्ती से सबको सरियाएंगे। गमछा तो ठीक ठाक है, गमछा कल एक भी बिक्री नहीं हुआ। तो चलते हैं सरिया लेते हैं, इतना हमारा स्टॉक में है, सबको सरिया गया करते हैं, रेडी कर लेते हैं। हाँ दोस्तों अभी सारे को सरिया लिया, इधर भी सारे हो गया है, इतना बचा हुआ है देख सकते हैं, गमछा भी हो गया और झोला भी हो गया है देख सकते हैं। और सर्वन इधर पढ़ रहा है अभी, तो क्या लिख रहा है देख सकते हैं, कल से जा रहा है स्कूल पढ़ने। तो इसका कॉपी है, तीन कॉपी खरीदा है ये तीनों, और 21 में है तीन कॉपी है, हिंदी गणित है इसमें, ए है इसमें, और लिखा है दो लाइन छोड़ दिया है, दो तीन इकला छोड़ दिया है, यह लिखना कि ना बाद में, भले ही लिख लो ठीक है। एक कॉपी इधर है हिंदी, देख सकते हैं इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें ही मिला हुआ है इसको, तो ये लिख लिया है और हाँ तो लिख लिया है। और ये भी सारा हमारा सरिया हुआ हो गया, सरिया हुआ हो गया। और अभी जो है ना बादल लगा हुआ है पूरी तरह से, देख सकते हैं इधर से जाते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, बरस वरस करके स्नान करके रेडी होते हैं। तो टाइम 7:45 हो रहा है और अभी मैं पानी भर रहा हूँ, देख सकते हैं पानी इसमें भर गया, उसके बाद इस बाल्टी में भरेंगे और उसके बाद में स्नान स्नान कर लेते हैं। और दोस्तों आज का मौसम उत्साही है, बादल लगा हुआ है, धूप थोड़ा भी नहीं दिख रहा है। तो चलते हैं पानी उनी भर लिए, अब स्नान स्नान कर लेते हैं, बर्फ भी कर लिए हैं, बर्फ उधर रखा हुआ है तो बर्फ भी कर लिए, अभी चलते हैं स्नान स्नान करके पूजा करके रेडी हो जाते हैं। 9 बज रहा है और अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और आज का मौसम देख सकते हैं बादल लगा हुआ है। तो चलते हैं देखते हैं कितना कार सेल होता है पूरा दिन में और बारिश आता है कि नहीं आता है। ऐसे 1-2 बजे है टाइम बारिश आने का, लेकिन देखते हैं क्या होता है। फिलहाल दोस्तों चलते हैं और फर्स्ट मॉर्निंग होने के बाद फिर मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे कच्छा गंजी ये सब लिया है, 106 पीस लिया है, तो 120 रुपया हुआ है। तो अभी पैसा लाने गया हुआ है तो पैसा लेकर आते हैं तो चलेंगे, पैसा का वेट कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट गांव कंप्लीट कर लिया है फिर करके, और फर्स्ट गांव में 450 का सेल हुआ है। तो अब चलता है दोस्तों अगला गांव की तरफ, और 10:15 हो गया है अभी और गर्मी, ठंडा मौसम है लेकिन गर्मी उठाया हुआ है। तो देखते हैं अगला गांव घूमते हैं, और अगला गांव जो है ना ससौला है और मदुरा। तो 10:30 बजे से लेकर के अभी 6:30 हो रहा है, अभी चलते हैं दोस्तों घर की तरफ, फिर अभी डूबा नहीं है, डूबने वाला है। और चलते हैं दोस्तों घर की तरफ, 10:30 बजे से अभी तक ले 4 गांव घूमा हूँ, ससौला, मदरापुर, अगता और मोतीपुर, 4 गांव घूमे हैं। और दोस्तों इतना तेज़ भूख लगा हुआ था, अभी नाश्ता किए हैं, इतना तेज़ भूख लगा हुआ था कि हालत पंचर हो गया था। और इस एरिया में आ जाए हम अक्तावरी, तो इधर जो है ना बहुत ज़्यादा मोल भाव होता है, सारा कोई जो है ना सारा माल निकलवा करके और लेता कोई नहीं था, इसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था, सब निकलवा लेता था, लेता कोई नहीं था। तो तब भी सेल दोस्तों हुआ है 2800-3000 के आसपास सेल हुआ है, लेकिन नहीं हो रहा था
फिर भी ठीक ठाक ही हुआ है। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं इसलिए घर की तरफ, लेकिन आज है ना दिमाग ख़राब हो रहा था क्योंकि एक घंटा समय लगाता था और लेता ही नहीं था, इतना ज़्यादा मोल भाव करता था, मोल भाव के चलते तो दिमाग खराब हो जाता है, इतना मोल भाव देख करके मुझे जो है ना मुझे भी कंफ्यूजन होने लगता है कि काम करे या छोड़ दे, इतना ज़्यादा मोल भाव होता है। जिस समय मोल भाव हो रहा था इतना सामान निकलवा करके नहीं ले रहा था ना, मन कर रहा था दो चार गाड़ी दे, लेकिन क्या बोले कुछ बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि ग्राहक एक तरह से भगवान का रूप होता है, तो भूख भी लगा हुआ था इसके वजह से भी गुस्सा आ रहा था। तो पिता के तो नहीं बोल रहे थे लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, एक तो भूख लगा हुआ था ऊपर से एक डेढ़ घंटा सारा कुछ निकलवा के लेता नहीं था। तो दोस्तों रिटर्निंग में भी जा रहा हूँ घर पे, तो मधुरापुर गांव में रास्ते में आते आते दो गमछा और दो बंडी यानी कि 140 रुपये का सेल हुआ है, चलते हैं फिलहाल घर पे। घर के लिए जब चला था तो उस समय सूर्य डूबा हुआ नहीं था, तो हमको लग रहा था कि सवेरे जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार रास्ते में बिक्री हुआ है तो जाते जाते टाइम पूर गया, टाइम पूरा हो गया, तो चलते हैं। और अभी सूर्यास्त तो हो चुका है, अभी अंधेरा हो रहा है, चलते हैं दोस्तों घर पे। और टोटल सेल की बात करें तो हो गया 3,150, 3,150 का सेल हो चुका है, तो आज टोटल सेल 3,150 का हो गया। चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं घर पे।